हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, स्पीडो में हम डिस्कस करेंगे 7 जून के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और स्पीडो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। और आप इस स्पीडो की PDF इस स्पीडो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, प्रयुत चान ओचा को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो प्रयुत चान ओचा को थाईलैंड का प्रधानमंत्री चुना गया है। यह है प्रयुत चान ओचा, तो अब ये थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। और यहाँ पर बात हुई है थाईलैंड की, तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है, और थाईलैंड की करेंसी है बहत। तो थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं प्रयुत चान ओचा। और थाईलैंड में दुनिया में सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन होता है, दुनिया में सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन होता है थाईलैंड में। और अगर बात करें भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन होता है, तो आंसर होगा केरल। केरल में, भारत में सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती करके कितने प्रतिशत कर दिया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 5.75%। पहले रेपो रेट थी 6%, तो RBI ने इसमें 0.25% की कटौती कर दी है, तो अब रेपो रेट हो गई है 5.75%। रेपो रेट क्या होती है? तो RBI जिस रेट पर कॉमर्शियल बैंकों को लोन देती है उस रेट को कहते हैं रेपो रेट। तो RBI ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती कर दी है, और अब रेपो रेट हो गई है 5.75%। और यहाँ पर बात हुई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है मुंबई में, और वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। और शक्तिकांत दास ये RBI के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। अगला प्रश्न, अमेरिकी संसद की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन होंगी? तो अमेरिकी संसद की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय मूल की महिला होंगी प्रमिला जयपाल। ये हैं प्रमिला जयपाल। तो प्रमिला जयपाल ये पहली भारतीय मूल की महिला होंगी जो कि अमेरिकी संसद की अध्यक्षता करेंगी। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे उनके उपन्यास एन अमेरिकन मैरिज के लिए वुमेन अवार्ड से नवाजा गया? तो एन अमेरिकन मैरिज ये उपन्यास है टेरी जोन्स का। तो टेरी जोन्स का ये उपन्यास है एन अमेरिकन मैरिज, और इस उपन्यास के लिए टेरी जोन्स को वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने अपनी क्रिप्टो करेंसी का नाम ग्लोबल क्वाइन रखा है? तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है फेसबुक। तो फेसबुक इस महीने अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करेगा, और इस क्रिप्टो करेंसी का नाम इसने रखा है ग्लोबल क्वाइन। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? तो ऐसी करेंसी जो सिर्फ इंटरनेट पर एग्जिस्ट करती है और रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, उसको कहते हैं क्रिप्टो करेंसी। यानी कि क्रिप्टो करेंसी की मदद से आप सिर्फ इंटरनेट पर ही लेन देन कर सकते हैं, बाकी रियल में ये करेंसी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो फेसबुक इस महीने अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करेगा, और इस क्रिप्टो करेंसी का नाम इसने रखा है ग्लोबल क्वाइन। और यहाँ पर बात हुई है फेसबुक की, तो फेसबुक की स्थापना हुई थी 2004 में। फेसबुक का मुख्यालय कैलिफोर्निया US में, और फेसबुक के वर्तमान में CEO है मार्क जुकरबर्ग, और मार्क जुकरबर्ग ने ही फेसबुक की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत ने किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का चांदीपुर ओडिशा से परीक्षण किया है? तो अभी हाल ही में भारत ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का चांदीपुर ओडिशा से परीक्षण किया है। ब्रह्मोस ये दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है, और ये बिल्कुल सटीक निशाना लगा सकती है, और इससे जमीन, समुद्र और हवा कहीं से भी दागा जा सकता है। और इस मिसाइल की मारक क्षमता 290 किलोमीटर के करीब है। तो भारत ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का परीक्षण किया है चांदीपुर ओडिशा से, और इसका परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर से किया गया है। तो हम थोड़ा सा ओडिशा के बारे में जान लेते हैं। ओडिशा की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। ओडिशा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। ओडिशा के प्रमुख लोक नृत्य हैं ओडिशी डांस, डंडा यात्रा और छऊ। ओडिशा में पावर प्लांट है तलचर पावर प्लांट। ओडिशा के प्रमुख स्थान है ओडिशा में है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसे ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है।
और उड़ीसा में है जगन्नाथ मंदिर जो कि पुरी में स्थित है, और उड़ीसा में है गुंडीचा घर मंदिर ये भी पुरी में स्थित है, और उड़ीसा में है खंडगिरी गुफाएं और उदयगिरी गुफाएं। उड़ीसा के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क हैं भितरकनिका राष्ट्रीय पार्क और सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क। उड़ीसा का प्रमुख बांध है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध ये महानदी पर बना हुआ है और ये दुनिया का सबसे लंबा बांध है। उड़ीसा में झील है चिल्का झील। उड़ीसा में झीलें हैं 30, लोकसभा सीटें 21 और राज्यसभा सीटें 10। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश में पहली आर्कटिक ट्रेन सर्विस लॉन्च हुई? तो अभी हाल ही में पहली आर्कटिक ट्रेन सर्विस लॉन्च हुई है रूस में, और इस ट्रेन का नाम है जार गोल्ड। जार गोल्ड इस ट्रेन का नाम है, और ये ट्रेन रूस के आर्कटिक क्षेत्र और नॉर्वे के माध्यम से यात्रा करने वाली पहली पर्यटक ट्रेन है। तो पहली आर्कटिक ट्रेन सर्विस ये रूस में लॉन्च हुई है। और बात हुई है रूस की, तो रूस की राजधानी मॉस्को, रूस की करेंसी है रूबल, और रूस के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। अगला प्रश्न, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का प्रमुख नियुक्त किया गया है मृत्युंजय महापात्रा को। यह है मृत्युंजय महापात्रा, और ये एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक और चक्रवात चेतावनी विशेषज्ञ हैं, और इन्हें साइक्लोन मैन के नाम से भी जाना जाता है। साइक्लोन मैन के नाम से भी इनको जाना जाता है। जितने भी तूफान आते हैं उसके बारे में ये पहले से बता देते हैं कि उसकी रफ्तार कितनी होगी और किधर टकराएगा और उससे जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये साइक्लोन के बारे में पहले ही चेतावनी दे देते हैं जिससे काफ़ी कुछ नुकसान होने से बच जाता है, तो इसलिए इनको साइक्लोन मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का प्रमुख नियुक्त किया गया है मृत्युंजय महापात्रा को। और मौसम से याद आया, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। और इस बार जो 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया था उसकी थीम क्या थी? तो इस बार के विश्व मौसम विज्ञान दिवस की थीम थी द सन द अर्थ एंड द वेदर। तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है, ये भी आप याद रखिए। और कल के प्रश्न, कल मैंने आपसे दो प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न था पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर था मैक्सिको। और दूसरा प्रश्न था 2020 में 10वां राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर था त्रिपुरा के अगरतला में। और लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है। और आज आपके लिए पहला प्रश्न है 2023 एशियाई फुटबॉल कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? और आज आपके लिए दूसरा प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है और आपको इसकी थीम भी बतानी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं करंट अफेयर्स के वीडियोस हर रोज़ सुबह 4 बजे अपलोड करता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।